आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको मेरा वुलन कलेक्शन वैरायटी और उसकी क्वालिटी दिखाऊंगी और कौन सी ऊन आपके लिए क्या बनाने के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिले। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सबसे पहली अपनी वूलन कलेक्शन लेके आ रखी हूँ, वर्धमान की मिलीनियम। ये देख सकते हो आप, इसमें एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और कॉटन तीनों मिक्स करके ये ऊन बनाई जाती है। ऊन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वार्म रहती है और इसका ऐसे रोए आने के चांस भी बहुत कम रहते हैं और ऊन बहुत अच्छी होती है। और देखिए, मेरे पास इसका ये सब कलेक्शन होगा। कलर आपको इसके सारे मिल जाएंगे। अभी इसमें मैं आपको वीडियो में आपको सारे कलर्स नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन कलर्स मेरे पास मोस्टली सभी मिल जाएंगे आपको। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा 250 रुपीज़ का, 1 पाउंड का, 400 ग्राम्स। और अगर आप एक अकेला सिंगल हैंक लेना चाह रहे हैं किसी कलर का, तो वो आपको पड़ेगा 100 ग्राम्स का, 70 to 80 रुपीज़ का। और देखिए, मैंने इसका एक ये पीस बना रखा है, बेबी स्वेटर है ये येलो कलर में। तो देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आई है इसमें। सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए ये ऊन अच्छी रहती है, सॉफ्ट है बहुत, ये देखिए। और इसे मैंने बिना है 10 नंबर की सिलाई में, मेरी ये पोनी की 10 नंबर की सिलाई है, ये इसमें बिना है, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है सिलाई इसमें। अगर आपका हाथ थोड़ा लूज़ है तो आप 11 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हो। ये मेरी ज्योति की सिलाई है, पोनी और ज्योति की सिलाई बेस्ट रहती है। और अगर आप क्रॉचेट वर्क करना चाहते हो इससे, तो 11 और 12 नंबर मैं आपको कहूँगी कि 11 और 12 नंबर अच्छा रहता है। बाकी आपको अगर और कलर्स देखने हैं तो मेरे फेसबुक पेज हिमालयन वूलन क्राफ्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए, मैं दूसरा ऊन आपके लिए लेके आई हूँ, ये है गंगा की मोटू ऊन। ये ऊन काफ़ी मोटी रहती है, ये 4 प्लाई है वैसे, तो ऊन काफ़ी मोटी रहती है ये, और ऊन ये अच्छी रहेगी। इसके मैंने स्वेटर्स बना रखे हैं, सॉक्स बनाए, कैप्स बनाई। इसका आप अगर बच्चों का कैप बनाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे फैशनेबल कैप्स आ रहे हैं बनके। इसमें आपने सिलाइयाँ यूज़ करनी है 6 नंबर की। अगर आपका हाथ नॉर्मल जो हम बिनते हैं, अगर 6 नंबर, अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 5 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करें। ये है मेरी पोनी की 6 नंबर की सिलाइयाँ। इसका प्राइस पड़ेगा 350 रुपीज़ पर पाउंड, 400 ग्राम्स। और अगर आप सिंगल ये लेना चाहते हैं तो ये करीब अराउंड 100 ग्राम का पड़ेगा, 100 ग्राम की लच्छी होगी, 75 to 80 रुपीज़ का ये आपको पड़ेगा एक लच्छी। और इसका मैं आपको एक कलेक्शन दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है, इसका मैं आपको कैप दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी कैप बनाई है, ये मैंने यही 6 नंबर में बिनी है। ये मेरी एक किड्स कैप बनाई है मैंने, 4 to 5 ईयर्स की। काफ़ी अच्छी कैप आती है और सॉफ्ट आती है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। ये ऊन में ये क्वालिटी है, ऊन बहुत गर्म रहती है और रोए आने के चांसेस में बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं, बहुत कम रोए आते हैं। क्योंकि हमें ऊन का कलेक्शन लेने में हमारा यही डर रहता है कि अगर रोए ना आ जाएँ, ख़राब ना हो, तो इसमें रोए आने का चांस बहुत कम रहता है। और पीस आपका इसमें बहुत ही अच्छा बन के आएगा, ऐसा लगेगा कि आप सीधे मार्केट से ही खरीद के लेके आ रखे हैं, बहुत अच्छा पीस बन के आएगा। तो देखिए, मैं आपके लिए तीसरी क्वालिटी लाई हूँ, ये है गंगा की माइक्रोनिट। ऊन में थोड़ा शाइन होगी, ये बच्चों के लिए अच्छी रहती है। बच्चों का जैसे हम सॉफ्ट ऊन पहनाना पसंद करते हैं ना, तो ये ऊन उसके लिए अच्छी है बच्चों के लिए। देखिए आप, बच्चों का बेबी सूट, कैप्स हो गए, सॉक्स हो गया, पैजामा, ये सब इसमें बहुत अच्छा बनता है। आप ये देखिए, मैंने ये गंगा की माइक्रोनिट का एक ये स्वेटर बनाया है बच्चे का। ये भी मेरा फिनिश नहीं हो रखा है, तो मैं आपको इसका क्वालिटी दिखाने के लिए लाई हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट रहता है ये ऊन, बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए। और ये मैंने बिना है 11 नंबर की सिलाई से। 11 नंबर की सिलाई इसमें अच्छी रहती है क्योंकि ये ऊन की क्वालिटी थोड़ा पतली है, थोड़ा पतला रहता है उन दोनों ऊन से, मिलीनियम से। तो इस ऊन को आप 11 नंबर में यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 320 रुपीज़ पर पाउंड,
और सिंगल हैंग भी मिल जाएगा, और पाउंड्स अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप इसमें क्रोचेट वर्क करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर सकते हो। 12 नंबर का क्रोशिया इसमें बेस्ट रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।